हरीश भाई सब कोई साइकिल दिखाओ अपने आप अपने के लिए, कोई साइकिल दिखाओ। ये बताओ इसके बारे में क्या। मोंट्रा हरकुलस। मोंट्रा हरकुलस ब्रांड है। हाँ, पूरी लाइट वेट साइकिल है। लाइट वेट साइकिल है और इसमें जो पूरी बॉडी है। हाँ, प्योर एल्युमिनियम से बनी हुई है। अच्छा, प्योर एल्युमिनियम से बनी हुई है ये साइकिल है। लाइट वेट। हाँ, फ्रंट सस्पेंशन है। 21 गियर्स। ड्यूअल डिस्क और इजी क्लिक पहिए में लगा होगा जैसे ऑटो में। इजी इजी क्लिप है ये, पहिया बाहर आ सकता है ऑटो में। जैसे किसी गाड़ी में या ऑटो में रखना चाहें तो पहिया बाहर निकाल के अपना नॉर्मल लग जाता है। बैक में भी सेम यही है। बैक में भी सेम है। अच्छा, जरूरत नहीं होती है। हाँ, फ्रंट जरूरत है। और ये सीट एडजस्टमेंट है। हाँ, इसमें भी एल्युमिनियम पाइप होता है सीट पिलर के अंदर भी ये। अच्छा, शिमानो टुन्नी लगा होगा। शिमानो कुल्ली टुन्नी टुन्नी और फ्रंट में भी शिमानो लगा होगा। अच्छा, फ्रंट फ्रंट बैक और ये प्योर एल्युमिनियम व्हील्स मैट फिनिशिंग ये मोंट्रा में दिया जा रहा है। फ्रंट ये जो है शिफ्टर, इसके अंदर ये भी शिमानो को होते हैं। मैक्रोसी। अच्छा, मैक्रो शिफ्ट। कोई और मॉडल है अपने पास? ये एमटीवी में आती है, फिर आती है हाइब्रिड में। एमटीवी साइकिल है। अब हाइब्रिड दिखा रहे हो आप मुझे। हाइब्रिड दिखाओ। ये फायरफॉक्स की साइकिल है। ये फायरफॉक्स की आती है। हाँ, पूरी लाइट वेट। ये भी लाइट वेट साइकिल है। फर्स्ट साइकिल है पूरी। अच्छा, रोड बाइक है। रोड बाइकों में आती है ये? नहीं, ये हाइब्रिड में आती है। हाइब्रिड दूसरी होती है, उससे ही पतला टायर होता है। अच्छा अच्छा, पर उसमें पंचर का इशू ज्यादा आता है इसमें। हाँ, पूरी एल्युमिनियम से बनी हुई। अच्छा, पूरी एल्युमिनियम बॉडी है। लाइट वेट आएगी, पतले टायर के अंदर है और फ्यूचर है इसके अंदर। कुक रिलीज, हाँ, इसके अंदर भी सेम कुक रिलीज वही है जो अभी आपने दूसरे मोंट्रा के अंदर दिखाई थी। डुअल डिस्क है। डुअल डिस्क, फ्रंट सस्पेंशन, लोकराइज वो है सोकर। इसकी जो ग्रारिस दिए होंगे ये प्योर एल्युमिनियम से दिए। प्योर एल्युमिनियम के अंदर है ये भी। हाँ, इधर भी और इधर भी दोनों प्योर एल्युमिनियम। प्योर एल्युमिनियम होता है ये। अलॉय स्टैंड, एल्युमिनियम स्टैंड, अलॉय सीट पाइप। ओके, शिवानो शिमानो टुर्नी। चलने में बड़ी स्मूथ होगी साइकिल। चलने में लाइट वेट है एकदम। बिल्कुल लाइट वेट, चलने में भी शांत एकदम। ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, कोई और दिखाओगे इसके इसके बाद? ये फायरफॉक्स के अंदर है। एमटीवी आती है फायरफॉक्स। एमटीवी फायरफॉक्स दूसरी साइकिल जो दिखा रहे हो आप मुझे। इसका कलर बड़ा प्यारा है, फौजी कलर है। फौजी कलर है और हाँ, बैक के साथ है। ये साइज होता है 29 इंच साइज है इसका। ये फायरवॉल्स का बैट एटीट्यूड मॉडल है। बैट एटीट्यूड जी। यस, फ्रंट सस्पेंशन, फ्रंट शोकर है इसका और 21 गियर्स। 21 गियर इसमें भी मैक्रोसिफ और यहाँ और वही डुअल डिस्क है। कुक रिलीज है इसके अंदर भी फ्रंट पे। हाँ, में भी है 8 इंच। हाँ, जा सकती है 8 इंच ऊपर चली जाएगी। ये फ्रेम होता है, 17 इंच का फ्रेम होता है इसमें। ये इसका कलर जो है चलने में बड़ी स्मूथ होती है। जितनी व्हील्स बड़ा होगा उतनी चलने में साइकिल स्मूथ होती है। 29 लास्ट साइज, 29 लास्ट साइज होता है। इसका कलर जो है इसके अंदर स्टिकर जो दे रखे हैं कौन से? वाटर डेकर लगे होंगे। वाटर डेकर स्टिकर लगे होते हैं इसके अंदर। नहीं है सब। हाँ।